हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एट, इन और ऑन प्रपोजिशंस को अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं बिना कोई डाउट के। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिंगो मैड एंगल के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ टू यूज दीज प्रपोजिशंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज भी प्रोवाइडेड है, जिससे कि आप लोग ये जान सको कि आज की वीडियो से आपने कितना सीखा। और लास्ट वीडियो के क्विज के आंसर्स मैं इस वीडियो में शो कर दूंगी आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने स्क्रीन पर एक बिंगो मैड एंगल ले लिया है, ड्रॉ करवा लिया है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। अब आगे मैं क्या करूँगी, इस बिंगो मैड एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ये सबसे छोटा होगा, ये मीडियम साइज का होगा, और ये लार्ज साइज का होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने डिवाइड करा है इसे। इस टाइप से मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसके तीनों पार्ट्स के अंदर तीनों प्रपोजिशंस को फिल कर दूंगी। तो लेट्स सी हाउ आई हैव फिल्ड दिस प्रपोजिशन इन दिस बिंगो मैड एंगल। As you can see on the screen, I have filled these. मैंने फिल कर लिया है इन तीनों को। सबसे स्मॉल वाले पार्ट में मैंने एट को फिल करा है, मीडियम में ओन, और लार्ज में हम मैंने इनको करा है। अभी आप देखिए, इधर से ही आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होके चल जाएगा अगर आप समझेंगे तो। देखिए, अब जो मेरा एट है वो कौन से पार्ट में है, उसका पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो ये पार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको गिवन है, एक स्पेसिफिक पॉइंटेड पार्ट आपको गिवन है। इसका मतलब एट आप वहां यूज करेंगे जब आपको स्पेसिफिक पॉइंट गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन। अब आप लोग ऑन कहाँ यूज करेंगे? ऑन आप देख सकते हो, ऑन का एक एरिया कुछ ऐसा है। ये हमारा एट का एरिया था, इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज एट ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पर ऑन का एरिया हमारा कुछ ऐसा है, ऊपर वाली लाइन थोड़ी छोटी है और बड़े वाली थोड़ी, नीचे वाली थोड़ी बड़ी है, यानी कि ये हमारा मीडियम एरिया है। दिस इज अ मीडियम एरिया। तो यानी कि जब पूरी बड़ी सिटी में से या पूरे बहुत बड़े एरिया में से आपको कोई छोटा सा पार्ट गिवन होगा, वेयर देयर यू विल यूज ऑन, वहां पर आप लोग ऑन यूज कर सकते हैं। और आप लोग इन देख सकते हैं, इन जो है वो सबसे बड़ा एरिया है, इन हमारा सबसे बड़ा एरिया है। ऑन ऐसा है और इन ऐसा है, तो इन का एरिया यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो इन यानी कि जब आपको पूरे बहुत बड़े एरिया की बात करी जा रही है, जब आपको पूरी कंट्री गिवन है, पूरी स्टेट कैपिटल सिटी गिवन है जब आपको पूरी, तब आप लोग इन यूज करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द हीरोज लिव इन बॉम्बे। ओके, तो अभी आप लोग इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, अभी हम लोग एट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारी जो एट है वो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट दिखा रही है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो इट मीन्स ये किसी जगह के नेम के लिए, एड्रेस के लिए और लोकेशन के लिए यूज की जाती है। अब हम लोग समझते हैं ऑन के लिए। हमारा जो ऑन है वो मीडियम चीज में है, तो अब हम लोग इसे वहां यूज करेंगे, ऑन को वहां यूज करेंगे जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा एरिया गिवन है, जब हमें हमारे पास बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा एरिया गिवन है। जैसे कि मेरा जो फ्रेंड है वो 13th फ्लोर पे रहता है, तो अब पूरी बिल्डिंग में से, ये पूरी बिल्डिंग है तो इसके 13th फ्लोर में सिर्फ इतने एरिया की बात की गई है। ओके, तो इट मीन्स इतने से एरिया की बात की गई है, छोटे से एरिया की, पूरे बड़े एरिया में से छोटे से एरिया की बात की गई, तो अब वहां पर हम लोग ऑन यूज करेंगे। ओके, माई फ्रेंड लिव्स ऑन द 13th फ्लोर स्ट्रीट रोड। ओके, यानी कि हाईवे। अब यहाँ पर हाईवे है, पूरी बड़ी सिटी में से सिर्फ एक हाईवे की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑन यूज करेंगे। अब हम लोग इनका यूज देखेंगे, इन हमारा सबसे लार्ज एरिया है, यानी कि जब हमारे पास कोई बहुत बड़े एरिया की बात की जाती है तब हम लोग इन यूज करेंगे। जैसे कि एरिया हो गया, किसी एरिया के जैसे एरिया में, जिसकी मोस्ट ऑफ द हीरोज लिव्स इन बांद्रा वेस्ट। ओके, सिटी की बात कर दी जाती है, कंट्री की बात की जाती है, या फिर स्टेट की बात, जहां पर आपके पास एरिया बहुत बड़े एरिया की, आप इतना याद रखो, एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक एरिया, जहां पर आपको स्पेसिफिक एरिया गिवन होता है। ऑन यूज किया जाता है जब हमारे पास पूरी बड़े एरिया में से छोटा सा एरिया गिवन होता है, और इन यूज किया जाता है जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया गिवन हो जाता है। समझ में आया? अब मैं आपको एक क्विज दिखाऊंगी जिसके साइड में मैंने आपको रेफरेंस के लिए ये पूरा शो कर दिया है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और एज यूजुअल आपको उसके आंसर्स कमेंट सेशन में कमेंट करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके आंसर्स शो कर दूंगी।
सो फ्रेंड्स दिस इज द क्विज, यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको ये पूरा गिवन है और ये आपका क्विज है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके मुझे कमेंट सेशन में आंसर्स कमेंट कीजिएगा। ओके तो अब मैं आपको लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर शो कर देती हूँ। ये है हमारे लास्ट वीडियो के आंसर्स, ये है मेरी लास्ट वीडियो, जो हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्विज दिया था उसके आंसर्स है। फर्स्ट वन इज द ब्रिज इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एक सिचुएशन की बात कही गई है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी भी ब्रिज में कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, अभी भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नेक्स्ट इज द अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जाम। जो कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर जो हमारा अंडर है ना, एज अ प्रीफिक्स यूज किया गया है दोनों ही सेंटेंसेस में। थर्ड वन इज द फाइनल रिजल्ट वर बिलो एवरेज। फोर्थ वन इज राहुल हैज बीन। अब बिलो देखो, बिलो मैंने आपको बताया था ना, अगर फॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो लेस। ओके तो अभी आप लोगों को ये सारे चेक कर लेने हैं और आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों ने कमेंट सेशन में कितने आंसर्स राइट दिए थे और कितने रॉन्ग दिए थे, और किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।